स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, जैसे कि मेरे पास एक बाइक आया है, पैशन प्रो BS4 बाइक है और न्यू मॉडल, और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे पास काफ़ी सारे मैकेनिक लाते हैं बाइक, जो बाइक में ज़्यादा बड़ा बड़ा फॉल्ट होता है, मेन फॉल्ट रहता है, तभी मेरे पास वो बाइक आता है। जैसे कि एक महीना से ये बाइक जैसे कि कस्टमर नहीं चला पा रहा है और बाइक में जैसे कि प्रॉब्लम हो रहा है, क्या स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस, मेरे पास जब आया है तो मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा एक्चुअली इस बाइक में क्या हुआ है। मेरा फर्ज बनता है, मेरे चैनल पे आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और कहीं कुछ अगर आप लोगों को मेरे चैनल में कुछ सीखने को मिलता है तो मैं अपने आप को खूब बहुत ही खुशनसीब समझता रहा हूँ, जिसमें कि आप लोगों का कुछ काम आए। तो इसीलिए मैं आज वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को शेयर करूंगा जो एक्चुअली इस बाइक में हुआ क्या है, किस कारण से स्टार्ट नहीं हो रहा है और क्यों मैकेनिक ये परेशान हो रहा है। तो आज हम बताएंगे अगर बाइक स्टार्ट ना ले तो क्या क्या चीज़ स्टेप हम लोग चेकअप करें और जिसमें कि बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बाइक को स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। अभी हम लोगों का वोल्टेज है, ठीक है, हॉर्न भी बज रहा है और इंडिकेटर भी चल रहा है, मीटर कंट्रोल में भी लाइन है, थोड़ा सेल्फ स्टार्ट काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें वोल्टेज बैटरी का थोड़ा कम है, लेकिन बाइक स्टार्ट होना चाहिए था। अब आप लोगों को दिखाता हूँ, इग्निशन ऑन है, बाइक हर हाल में स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस हम आपको बताना चाहते हैं बाइक अगर स्टार्ट ना ले तो सबसे पहला स्टेप होता है हम लोगों को करंट चेकअप करना। करंट अगर नहीं आता है तो करंट के बारे में काम करेंगे। अगर बाइक में करंट हम लोगों का सही है तो जैसे कि दूसरे साइड में हम लोग काम करें, जैसे इंजन होता है, फ्यूल होता है, इसके बारे में काम करेंगे। तो पहला स्टेप है हम लोग करंट चेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पार्क प्लग की कैप खोलेंगे और यहाँ थोड़ी दूर पर चेकअप करेंगे किक मारने पर। चलो किक मारो, बस 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 बस। तो करंट हम लोगों का नहीं आ रहा है, इंजन हम लोगों का सही है, वो बाद में डिसाइड करेंगे इंजन खराब है या सही है, साउंड खराब है, बाद में चेकअप करेंगे, बट हमको सबसे पहले करंट लाना है। तो चलो पहले स्टेप हम लोग क्या चेकअप करें वो आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताते हैं पैशन प्रो बाइक में नया CDI मॉडल दिया गया है और इसमें i3S का सिस्टम भी है। तो गाइस हम लोग इग्निशन लाइन पहले चेकअप करेंगे, i3S नहीं। तो इसके संग मुझे i3S का भी कनेक्शन है और जैसे कि हम लोगों का इसमें CDI सिस्टम भी किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे CDI में हम लोग का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, पिकअप कॉइल आ रहा है कि नहीं, ग्राउंड आ रहा है कि नहीं इनपुट लाइन, उसके बाद डिसाइड करेंगे। चलिए पहले इनपुट चेकअप करते हैं। तो गाइस इस कपलर पे आप लोगों को काफ़ी सारे वायर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ 6 वायर है और यहाँ भी 6 वायर, 12 वायर और यहाँ 1 वायर, 13 वायर यहाँ अटैच है एक कपलर में। लेकिन इंपॉर्टिंग स्टार्टिंग के लिए हम लोग चेकअप करेंगे जैसे वोल्टेज, ग्राउंड, पिकअप कॉइल, इनपुट, तीन चीज चेकअप करेंगे गाइस, ठीक है, तीन पुट हम लोग चेकअप करेंगे। तो यहाँ देखिए जो ब्लू कलर में पीला कलर, ये वायर ये पिकअप कॉइल का है, ठीक है। अब आप लोगों को बताता हूँ यहाँ हरा कलर, ये हरा कलर 2 वायर हुआ और एक वोल्टेज हम लेंगे गाइस। तो वोल्टेज हम लोगों का जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ कौन सा वायर में वोल्टेज हो सकता है गाइस। यहाँ एक रेड में जैसे कि ब्लैक है और यहाँ हम लोगों का सिल्वर में रेड है। 2 वायर में फिलहाल वोल्टेज आएगा जो हम लोगों का CDI यूनिट में काम करेगा, एक i3S के लिए है और 2 वोल्टेज किस लिए है वो बताता हूँ, एक i3S के लिए है और एक जैसे इग्निशन लाइन के लिए है। तो चलिए तैयारी करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे पिकअप कॉइल की रीडिंग। हर वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ स्टार्टिंग के लिए आप लोगों को पिकअप कॉइल की रीडिंग चेकअप करना है। तो कैसे चेक करें, जो हरा कलर की वायर है गाइस इसमें हम लोग बॉडी अर्थिंग मिल जाएगा आसानी से, तो नीचे पे हरा कलर में लगाया गाइस। और यहाँ कोना में देखिए ब्लू में पीला जो है
यहाँ रीडिंग आएगा। तो चलो मल्टीमीटर को हम लोग कॉन्टिन्यू पे करते हैं और करने के बाद हम लोग रीडिंग चेकअप करेंगे। 164 आ रहा है गाइस, 164 पिकअप कॉइल की रीडिंग आ रही है। तो हीरो बाइक में जितना भी हम देखा थे 164, 140, 150, 160 के आसपास में अगर आए तो पिकअप कॉइल की रीडिंग एकदम हम लोगों का सही है। तो मुझे एक साथ दो चीज़ पता चल गया, बॉडी अर्थिंग भी सही है और पिकअप कॉइल भी सही है। अब हम लोग चेकअप करेंगे गाइस वोल्टेज। तो वोल्टेज किस तरह से चेकअप करें, वोल्टेज के लिए हम लोग चेकअप करेंगे रेड में जो ब्लैक कलर की वायर है, मैं रेड कलर पे लगाता हूँ। तो मल्टीमीटर में दिखाइए 11 वोल्ट 24 पॉइंट आ रही है। तो यहाँ 11 वोल्ट 23 पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज सही आ रहा है। और एक और वोल्टेज चेकअप करेंगे जो यहाँ सिल्वर कलर में रेड कलर है, इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो चलिए एक फिर हम लोग जैसे हरा कलर में लगाएंगे और एक सिल्वर में जो हम लोगों का रेड कलर है उसमें लगाएंगे। तो गाइस यहाँ भी हम लोगों का 11 वोल्ट दिखा रहा है, 11 वोल्ट आने से बाइक स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ का काम ख़त्म है, अब हम लोग चेक करेंगे जो CDI यूनिट हम लोगों का सही है या ख़राब है। तो वो कैसे चेकअप करें मैं आपको बताता हूँ। चलिए इस कपलर को फेडिंग कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनपुट लाइन सब ठीक मिला, पिकअप कॉइल का रीडिंग, वोल्टेज, बॉडी अर्थिंग। गाइस ये तीनों चीज़ अगर सही रहे तो हम लोग को पता चल जाता है इनपुट लाइन ठीक है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे CDI यूनिट हम लोग का ख़राब है या सही है। तो गाइस वो कैसे पता चले, टैंकी खुली है हम आपको बताते हैं। यहाँ ब्लैक में पीला कलर की जो वायर है CDI कपलर की, हम लोग आउटपुट वायर है, यहाँ देखिए जो ये वायर CDI कॉयल से हाई वोल्ट होके आएगा जो बाटली कॉयल को देगा। तो अब हम लोग फाइनल चेकअप करेंगे जो बाटली कॉयल में हम लोग का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो मारा जोर से, बस 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 एकदम करंट बराबर आ रहा है। अब एक स्टेप और चेकअप करेंगे जो यहाँ हम लोगों का ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मल्टीमीटर को पकड़िए, हम लोग ग्राउंड चेकअप करेंगे। अगर ग्राउंड नहीं आएगा तो भी हम लोग का दिक्कत में हो सकता है। तो यहाँ जो हरा कलर की वायर है ये बॉडी अर्थिंग के साथ हम लोग संपर्क करेंगे गाइस। तो यहाँ हम लोग का बीप बज रहा है, मल्टीमीटर बज रहा है, इसका मतलब यहाँ हम लोगों का आउटपुट वोल्टेज भी सही आ रहा है। अब मुझे डाउट है कि मेरा बाटली कॉयल ख़राब है। तो चलो एक बार और भी कोशिश करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ जो बाटली कॉयल में हम लोगों का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो गाइस नहीं आ रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो गाइस मेरे पास काफ़ी सारे बाइक का जैसे कि सामान रखा हुआ है, ये ग्लैमर बाइक के लिए है, ये सब अच्छा अच्छा मैंने सब सामान रखता हूँ। तो इस बाइक में पिकअप कॉइल भी यहाँ देखिए, और बैक एंगल सेंसर भी है ग्लैमर का, और सब काफ़ी सारे चीज़ रखता हूँ। तो ये सब अच्छा कॉइल है। तो चलो इस कॉइल को हम अटैच करेंगे, ये हम लोग का बाटली कॉइल जो है एकदम हम लोग का सही है। तो चलो बाटली कॉइल को लगाता हूँ उस बाइक में, आप दिखाता हूँ। ये हम लोग का बाटली कॉइल पुराना, और यह है हमारा जो मेरे पास था। तो चलिए इसे इंस्टॉल करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ प्रूफ करके जो एक्चुअली मैंने जो आप लोगों को बताया इनपुट लाइन के बारे में वो सही हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हरा की कलर में हरा और ब्लैक और पीला में ब्लैक। चलिए बस चलिए अब लोग करंट चेकअप करेंगे। बस 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 एकदम करंट बराबर आ रहा है। चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो इस बाइक में मुझे फॉल्ट मिला, बाटली कॉइल खराब था। तो बाटली कॉइल मैंने अलग से मेरे पास था वो लगा दिया। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस फाइनल बाइक को स्टार्ट करेंगे।
तो चलो चाबी एक बार बंद कर लेता हूँ और बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो तेल का पाइप लगाया है? बंद करता हूँ, बाइक तो स्टार्ट हो चुकी है। बस बंद करते हैं। तो गाइस मुझे काम करने में आधा घंटा लगा, ठीक है, आधा घंटा लगा। बाइक में क्या बीमारी था, तो एक मैकेनिक को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है जो बाइक में स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, और स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसका कारण क्या है। तो करंट चेकअप करना है, करंट नहीं आ रहा है तो करंट के साइड हम लोग को काम करना है। करंट आ रहा है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो जैसे कि इंजन में होता है हम लोग का टाइमिंग होता है, कंप्रेसर के लिए वाल्व होता है, कार्बोलेटर होता है फ्यूल के लिए, ये सब देखना है। तो इस बाइक में फिलहाल में प्रॉब्लम था करंट की। तो करंट हमने चेकअप किया, इनपुट लाइन मुझे सही मिला, तो मुझे डाउट नहीं था जो पिकअप कॉइल खराब है, वोल्टेज खराब है, बॉडी अर्थिंग खराब है। और मैंने जब CDI को चेकअप किया, CDI को हम लोग मल्टीमीटर से माप नहीं सकते, कोई भी मैकेनिक ये कन्फर्म नहीं कर सकते तो CDI कॉइल को माप लेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी मैकेनिक आपको बता नहीं पाएगा जो CDI कॉइल खराब है या सही है। तो चेकअप करने का तरीका मैंने यही बताया, जो अगर हम लोग का इनपुट लाइन ठीक है, अगर CDI यूनिट अच्छा रहता है, तो पार्टली कॉइल में दो वायर होता है, वो आउटपुट वायर में वोल्टेज जाना चाहिए CDI कॉइल अच्छा रहे तो। अगर CDI कॉइल खराब रहता तो पार्टली कॉइल में वोल्टेज नहीं जाता। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया और बाइक को स्टार्ट करके दिखाया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।